ताइवान की राष्ट्रपति ने शुक्रवार को कहा कि बीजिंग द्वारा उनके देश के पास बड़े स्तर पर सैन्य अभ्यास और यूक्रेन पर मॉस्को के हमले के जरिए चीन और रूस वैश्विक व्यवस्था को बाधित कर उनके लिए खतरा बन रहे हैं। ताइवान की राष्ट्रपति ने अमेरिका की सेनेटर के साथ ताइवान में हुई एक बैठक के दौरान ये बात कही। अमेरिकी सांसद की प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की इस महीने यात्रा के बाद किसी अमेरिकी सांसद की यह दूसरी ताइवान यात्रा है। नैन्सी पेलोसी की इस यात्रा को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए चाइना ने ताइवान द्वीप के पास सैन्य अभ्यास किया था। चाइना ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है और जरूरत पड़ने पर सैन्य बल से उस पर नियंत्रण करने की इच्छा भी रखता है। और ताइवान की राष्ट्रपति ने कहा कि बीजिंग ने रशिया के साथ अपने गठजोड़ को भी मजबूत किया है और यूक्रेन पर उसके हमले का मौन समर्थन भी किया है। और उन्होंने कहा कि इस घटनाक्रम से पता चलता है कि किस तरीके के निरंकुश शासन वाले देश विश्व व्यवस्था को बाधित कर उसके लिए खतरा बन रहे हैं। अमेरिका की रिपब्लिक पार्टी की सेनेटर ने दोनों सरकारों के बीच साझा मूल्य का जिक्र करते हुए कहा कि वह ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में समर्थन करने के लिए काम करना जारी रखेंगी। और आपका क्या कहना है इस बारे में आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना।